आज नाउन एंड द नंबर के अंतर्गत कुछ शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे एक शब्द है एडजेक्टिव है पार्टिसिपल के अंतर्गत। यदि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगा दें, द प्लस एडजेक्टिव, तो वो प्लूरल प्रयुक्त होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब आते हैं। जैसे यदि लिखे हम कि द पुअर तो यहाँ वर्ब देना हो तो आर लगाए वर लगाएंगे हम आर लगाएंगे। हैव बिन लगा सकते हैं, मतलब इसको प्लुरल माना जा रहा है। द पुअर वेयर हेल्प्ड, एडजेक्टिव के पहले द लगा तो इसके साथ प्लुरल वर्ब आएगा। इसका उच्चारण थोड़ा कई तरह से किया जाता है। प्रचलित उच्चारण पुअ आर साइलेंट, ये हर जगह है। अंतिम आर साइलेंट ब्रिटेन इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में नहीं साइलेंट। तो पुअ या पुअर, पॉर इसका ऐसे भी एक उच्चारण है, लिख सकते हैं हिंदी में इसको। एक उच्चारण ऐसे भी है, आर साइलेंट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। द पुअर वर हेल्प्ड, द पुअर वर हेल्प्ड, वर इसका भी उच्चारण वर, या आर साइलेंट कर देंगे व। द पुअर आसान उच्चारण करना है, पुअर पुअर। तो नियम एक ये है कि एडजेक्टिव के पहले द लगे तो प्लूरल माना जाता है वो। द पुअर, द रिच, प्लूरल हो गया। अब इसमें फिर पुअर में एस लगाकर प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। एक अगला नियम है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन आ जाए उसके आगे, इसके बाद फिर वही सेम नाउन रिपीट करे तो ये पूरा कॉम्बिनेशन सिंगुलर माना जाता है। जैसे विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, गांव का गांव बर्बाद हो गया। विलेज कुछ उच्चारण ऐसा है, विलेज करते हैं हम लोग, विलेज जिसको बोलने से सुनने से समझ में आ जाए श्रोता को, वो आसान है बोलना। विलेज कहने पर समझते हैं लोग विलेज, लेकिन उच्चारण इसका है विलेज। एक ही नाउन है विलेज, प्रीपोजिशन दे दिया आफ्टर, पुनः विलेज, वाज इसके साथ सिंगुलर वर्ब दिए। इसका मतलब कि पूरा यह सिंगुलर में प्रयुक्त हो रहा है। डोर टू डोर नाउन प्रीपोजिशन, इसके बाद नाउन फिर वही नाउन। तो ये भी सिंगुलर माना जा रहा है, विलेज आफ्टर विलेज। इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब दिया। सिंटैक्स में भी इसको देखें, सिंगुलर मान करके इसके साथ सिंगुलर वर्ब दे दिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
यहाँ भी द पुअर को प्लुरल मान लिए और प्लुरल वर्ब दे दिए। अब एक अगला नियम है, न्यूमरल एडजेक्टिव और उसके बाद यदि हाइफन और इसके बाद कोई नाउन आता है तो नाउन सिंगुलर रहता है। न्यूमरल एडजेक्टिव, हाइफन और नाउन तो नाउन सिंगुलर रहेगा, न्यूमरल एडजेक्टिव भले ही प्लूरल हो। इसके बाद हाइफ़न और इसके बाद कोई नाउन हो तो यह नाउन सिंगुलर में रहेगा। जैसे आई हैव 320 रुपी नोट्स, यहाँ इन्यूमरल एडजेक्टिव आ गया, संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद हाइफ़न हमने दिया, रूपी यहाँ लिखा, नोट्स, ये नियम कह रहा है कि न्यूमरल एडजेक्टिव हाइफ़न इसके बाद नाउन है। न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया 20, यहाँ हाइफन लगा तो रूपी सिंगुलर में यहाँ है, यह 20 लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन हाइफन के चलते वहाँ वो जो रूपी है नाउन वो सिंगुलर रहा। यदि हाइफन वहाँ नहीं रहता तो प्लुरल हो जाता, जैसे लिखना हमको 20 रुपीज, तब बहुवचन होगा। यहाँ हाइफन के चलते एक यूनिट, एक वर्ड मान लिया गया उसको। 18 रुपी नोट, और ये नोट्स बहुवचन किस लिए आ गया कि 3 है, 20 रुपए के 3 नोट हैं, 3 नोट्स, 20 रुपी, 3 नोट्स, 20 रुपए के 3 नोट। और ये 20 रुपीज क्या है, 20 रुपए है, रुपए बहुवचन हो गया अब रुपीज। इस तरह से आगे है 5-year plan, पंचवर्षीय योजना जिसको हम लोग कहते हैं, 5 न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, या हाइफन है, 5-year plan, ये न्यूमरल एडजेक्टिव और इधर नाउन है, बीच में हाइफन है, इसलिए एक वचन ये है। ये नियम यह कह रहा है कि न्यूमरल एडजेक्टिव हाइफन नाउन सिंगुलर। 5-year plan, 5 years plan नहीं, वो पंचवर्षीय योजना 5-year plan। अच्छा, एक 24 आवर्स हम लोग कहते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे, ट्वेंटी फोर तो ऐसे लिखेंगे ही, 24 आवर्स, अभी जिससे मैंने कहा कि 20 रुपीज है, हाइफन नहीं रहेगा, हाइफन नहीं है तो बहुवचन है यह, प्लूरल, हाइफन रहेगा तो 20 रुपी नोट के लिए हुआ रहा है। इस तरह से यदि 24 हम ऐसे लिख दें, और ये 24, जैसे 20 है एक वर्ड, वैसे ही 24 है, 24, 24 घंटे अब हो गया, 24 आवर्स अब रहेगा, हाइफन नहीं है तो। लेकिन यदि हम यहाँ हाइफन लगा दें, नियम यही ना लिख रहे हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव हाइफन नाउन, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव एक हो गया, एक ही है, दो नहीं है, 24,
अब यदि यहाँ हाइफन हम दे देते हैं तो ये हट जाएगा अभी 24 आवर, अब ये हुआ। ये एक वर्ड है, हाइफन लगना है 21, 22, 23, 24, 25 सब में हाइफन रहेगा, दो वर्ड यहाँ कंबाइंड हो रहे हैं तो कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। तो यहाँ यदि हाइफन रहा तो आवर, नहीं रहेगा तो आवर्स। अब 21 वर्ड है जिसको हम बहुवचन तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन यदि द लगाते हैं इधर, द 20 सामान्य नियम के अनुसार इसको हम बदल दिए, 20 को वाई है, वाई के पर एक कॉन्सोनेंट है तो वाई को वाई में बदल दिए और ई एस लगा दिए, 20 यही ना नियम है। अब 20 का बहुवचन बना दिए हम, द 20, इसका क्या अर्थ हुआ? द 20 का अर्थ हुआ, 20 का अर्थ हुआ, टीन्स का अर्थ हुआ, 20 का अर्थ हुआ कि 22, 29, चूंकि 20 उसमें आता है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो 22, 29 को द 20 कहते हैं, बहुवचन बना के वहाँ लिखते हैं। कोई भी 22, 29 तक रहे, नंबर्स हो, ईयर्स हो, आर टेम्परेचर्स हो, नंबर्स, ईयर्स, टेम्परेचर्स फ्रॉम 20 to 29, तो उसको द 20 से बोध कराते हैं हम। 30 का अर्थ हुआ कि 30 to 39, टीन्स जो बोलते हैं हम वो क्या है, वो 13 to 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, वो क्या है, वो टीन्स, टीनेजर्स बोलते हैं हम लोग। 50s क्या है, इसे हम लोग 50 के दशक में बोलते, 50s का अर्थ हुआ कि 50 to 59, 50, 51, 52, 53, इस तरह से ये यहाँ भी प्लूरल हुआ, द 20s। अब एक है न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन, जैसे डेढ़, ढाई, साढ़े तीन बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ फ्रैक्शन बाद में आता है। जैसे मेरे पास डेढ़ रुपया है तो आई हैव 1 rupee and a half, आई हैव 2 rupees, यहाँ 2 न्यूमरल है, नाउन है, लेकिन हाइफन नहीं, इसलिए रुपीज लिखे हैं। जैसे आई हैव 2 rupees, जबकि यहाँ बताया था 20 rupees, लेकिन हाइफन नहीं है, तो ये बहुवचन का बोधक है और ये बहुवचन हो गया, नाउन आने वाला, ये एडजेक्टिव बहुवचन है, आगे बहुवचन। तो आई हैव 20 rupees एंड इसके बाद फ्रैक्शन लिख रहे हैं, एंड ए हाफ, मेरे पास 2.5 rupees है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन और प्लस फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन बाद में देते हैं, ऐसा नहीं लिखते हैं कि आई हैव 2.5 rupees, 2.5 rupees कहने में तो ये भी अच्छा लग रहा है, 2.5 rupees, 2.5 rupees, लेकिन यदि फ्रैक्शन इस तरह का लिखना हो कि न्यूमरल एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन हो तो नाउन के बाद फ्रैक्शन को लिखते हैं, जो भिन्न में आ रहा है, आधा, एक क्वार्टर,
लेकिन यदि मल्टीप्लाई का बोध करना हो, गुणा, डेढ़ गुना, ढाई गुना, साढ़े तीन गुना, तो वहाँ न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद ही फ्रैक्शन दे देते हैं और लास्ट में अंत में नाउन लिखेंगे। जैसे वन एंड ए हाफ टाइम्स, वन एंड ए हाफ टाइम्स मतलब डेढ़ गुना, टाइम्स मैंने गुना, मल्टीप्लाई का बोध करा रहा है। टू एंड ए हाफ टाइम्स ढाई गुना, टू एंड ए हाफ टाइम्स मल्टीप्लाई का बोध करा रहा है। लेकिन मल्टीप्लाई का नहीं बोध करा के बीच में नाउन आवे, डेढ़ ढाई साढ़े तीन साढ़े चार का ऐसे बोध करावे, तो आई हैव टू नाउन दे दीजिए, इसके बाद एंड हाफ फ्रैक्शन जो है, और मल्टीप्लीकेशन का बोध कराए तो फ्रैक्शन पहले बाद में नाउन। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो ऑलवेज प्लूरल हैं, प्लूरल में उनका प्रयोग होता है। कुछ खास खास जो बहु प्रचलित हैं उनको दो चार देख रहे हैं। पहला है आर्म्स, इसका उच्चारण आ एल साइलेंट कर रहे हैं, एल का उच्चारण नहीं हो रहा है, जिससे काम है, टाक है, वाक, सब जगह एल साइलेंट हो रहा है, उच्चारण नहीं कर रहे हैं, काम, टाक, वाक, फोक, इस तरह से यहाँ भी एल साइलेंट है, लेकिन उच्चारण में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। आम जी इसको लिखते हैं हम, आ एल साइलेंट हो गया, म लिखे, एस का ज लिख दिए, तो इसका उच्चारण हो गया आर्म्स। आर्म्स लिखते हैं हम लोग, यहाँ भी आर साइलेंट है, इसका भी उच्चारण उस तरह से हो जाता है। आर्म्स सुनने में थोड़ा सा लगेगा, इसलिए हम लोग आर्म्स बोल देते हैं। आर्म्स एल साइलेंट, इस तरह से इसके आधार पर यदि हम लोग बोलते हैं आलमंड, आलमंड जो बादाम है बड़ा, आलमंड बोलते हैं, दुकानदार भी नहीं समझेगा आमंड मांग रहे हैं, लेकिन इसका असली उच्चारण एल यहाँ साइलेंट हो गया, आमंड, 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 एल नहीं, आलमंड नहीं, जैसे आम जो है काम है उसी तरह से आम है, आमंड। तो आम जो मैंने लिखा इसको, आम माने भीख, गरीबों को दी गई कोई भी वस्तु, भोजन, वस्त्र, रुपया पैसा दान में जो कुछ भी दिया जाता है वो आम भीख, ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है हमेशा। एक वर्ड है एरियर्स, जो वेतन भोगी लोग हैं एरियर बहुत निकालते हैं, बकाया राश जिसको कहते हैं। ये बहुवचन में एरियर हम लोग बोल देते हैं, एरियर, एरियर, लेकिन वो है एरियर्स बहुवचन, एस लगा के बोलते हैं हम। एरी या आर यहाँ साइलेंट हो जाएगा, आ इसका उच्चारण ज, एरियर्स, एरियर्स हमेशा। अच्छा, ये बकाया पीछे की राशि, यहाँ ये देखिएगा तो रियर है, यह मूलतः रियर माने पीछे, पीछे की जो बकाया राशि है भुगतान होनी चाहिए नहीं हुई, वो है बकाया राशि रियर माने पीछे, ये लगने के कारण डबल आर हो गया, स्पेलिंग इसकी इस तरह से रियर है, ये लगा एड कुछ टू टुवर्ड्स जोड़ रहे हैं पीछे की ओर, तो ये जब लगा तो यह डबल आर हो गया एरियर।
अगला एक वर्ड है कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। ये कौन है? ये ग्रेट, ग्रेट से बना है कंग्रेचुलेशंस। ये एक्सक्लामेशन भी है और नाउन भी है। तो कंग्रेचुलेशंस का अर्थ एक होता है ए मैसेज फॉर कंग्रेचुलेटिंग समबडी, किसी को कंग्रेचुलेट करने के लिए जो मैसेज देते हैं वो कंग्रेचुलेशंस है, पहला अर्थ। और यदि कंग्रेचुलेशन से लिखते हैं और इसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन देते हैं विस्मयाद बोधक चिन्ह, तो इसका अर्थ हो जाता है कि जो वर्ड लिखते हैं हम कंग्रेचुलेशन, यू व्हेन वी वांट टू कंग्रेचुलेट समबडी, इसका इसी का प्रयोग कर देते हैं कंग्रेचुलेशंस और नोट ऑफ एक्सक्लामेशन लगा देते हैं वहाँ। यदि यही वर्ड प्रयुक्त कर दिए तो ये कब प्रयुक्त किया जाता है? जब हम किसी को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। कंग्रेचुलेशन ऑन योर एग्जाम रिजल्ट, तो वहाँ कंग्रेचुलेशंस लिख देते हैं। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर एग्जामिनेशन रिजल्ट, यहाँ नोट ऑफ एक्सक्लामेशन दिए। आपके परीक्षा परिणाम पर कंग्रेचुलेशंस, ये प्लुरल में ही प्रयुक्त होता है कंग्रेचुलेशंस। कहीं कंग्रेचुलेशन किसी को कंग्रेचुलेट करने के लिए प्लुरल में ही प्रयुक्त होता है कंग्रेचुलेशंस। एक वर्ड है फंड, फंड्स। बहुवचन में प्रयुक्त होता है फंड्स और फंड, दोनों का दो अर्थ होगा। फंड्स जो सरकारी कोष निधि प्रयोग हम लोग करते हैं वो फंड्स ही है, बहुवचन प्लूरल। वो अवेलेबल जो उपलब्ध राशि है व्यय करने के लिए, व्यय करने के लिए जो राशि उपलब्ध है वो फंड्स है, प्लूरल। मनी दैट इज अवेलेबल टू बी स्पेंट, व्यय करने के लिए उपलब्ध राशि को हम फंड्स बोलते हैं बहुवचन में। लेकिन फंड तब क्या है? फंड का यदि हम प्रयोग करते हैं कहीं कहीं, वो कलेक्टेड सेव्ड मनी है, संग्रहित राशि है, बचाई गई राशि है खर्च करने के लिए, तो फंड है। एन अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन सेव्ड आर कलेक्टेड हैज बीन मेड अवेलेबल फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, वो फंड है। वो राशि एन अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन सेव्ड, जो बचाए हैं हम जानबूझकर, या दैट हैज बीन कलेक्टेड, जो संग्रहित की गई है, और हैज बीन मेड अवेलेबल, जिसको उपलब्ध किया गया है फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, किसी खास उद्देश्य के लिए, वो फंड है। और फंड्स दैट इज अवेलेबल टू बी स्पेंट, वो कलेक्टेड और सेव्ड नहीं हम लोग करते हैं, किसी खास पर्पज के लिए उपलब्धि कराई गई है, सरकारी कोष जो है फंड्स है वो। ये है अवेलेबल पहले से,
और ये है सेव्ड कलेक्टेड। दोनों में एक एक वर्ड में अंतर बताएं तो ये है वो अवेलेबल टू स्पेंड और ये सेव्ड आर कलेक्टेड टू स्पेंड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज किसी खास उद्देश्य के लिए। एक वर्ड है थैंक्स, थैंक्स थैंक यू, तो इसका भी हम लोग प्रयोग प्लूरल में करते हैं थैंक्स। केवल थैंक लिखे तो नाउन नहीं है वर्ब है, इसलिए कहा जाता है कि थैंक्स प्लूरल में ही ऑलवेज प्लूरल नाउन थैंक। ये लिखे तो वर्ब धन्यवाद देना, लेकिन नाउन के रूप में ये हमेशा प्लूरल है थैंक्स। हम लोग बोलते भी हैं, किसी को कहते भी हैं थैंक्स, मैनी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। किसी के द्वारा कुछ किया जाता है उसके बदले में थैंक्स बोलते हैं हम। यू टू शो दैट यू आर ग्रेटफुल, ये दिखाने के लिए कि हम कृतज्ञ हैं। समबडी फॉर समथिंग दे हैव डन, दे हैव डन ये बहुत जरूरी है थैंक्स के लिए, उन्होंने कुछ किया है तो हम कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। थैंक्स का प्रयुक्त होता है कि यूज टू शो दैट यू आर ग्रेटफुल टू समबडी फॉर समथिंग दे हैव डन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला पहले कि मैनी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, जवाब दिया आई एम फाइन थैंक्स। किस लिए थैंक्स? आपके द्वारा पूछने के लिए। तो कुछ कार्य जो कोई करता है, कुछ दे दिया तो थैंक्स, किसी के द्वारा कुछ दिया गया या किया गया तो थैंक्स। और थैंक केवल रहे तो वर्ब है वो। एक चीज और है कि ये वर्ड्स जो है, वर्ड्स आर एक्शन दैट सो दैट, कोई शब्द हो मेरा या कोई कार्य हो जो ये दिखाता है कि यू आर ग्रेटफुल टू समबडी फॉर समथिंग, किसी के प्रति किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हैं, ये दिखाने के लिए जो वर्ड्स आर एक्शन है उनका भी अर्थ थैंक्स है। जैसे हिंदी में धन्यवाद शुक्रिया हम लोग बोलते हैं, धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू। अच्छा धन्यवाद जो वर्ड है हम लोग बोलते हैं शब्द धन्यवाद, लेकिन विद्यार्थी गण अधिकतर समझ नहीं पाते हैं, बोल रहे हैं केवल धन्यवाद। क्या है धन्यवाद? वो धन्य धन से ही बना हुआ है, धन्य हो आप, धन्य के माने कि धन के काबिल हो, धन के योग्य हो। संपदा धन क्या है? अब वो मानसिक बौद्धिक संपदा भौतिक संपदा, जो भी हमारे पास कुछ उपलब्ध है वो संपदा ही है, वो सब धन है। और उसके काबिल जो है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उसके काबिल हो, धन्य हो, धन्यवाद। ये है कि हम आपको ये थैंक्स कर रहे हैं, ग्रेटफुलनेस दिखा रहे हैं कि आप धन्य हो, इन संपदाओं के आप काबिल हों। एक तरह से सुभाषित शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, धन्यवाद, धन से धन्य बनाए। एक वर्ड है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स यदि एथलेटिक की कहें तो एडजेक्टिव है, उस पर विचार नहीं कर रहे हैं अभी हम। नाउन के रूप में अनकाउंटेबल नाउन एथलेटिक्स, बहुवचन में ही हमेशा प्रयुक्त है, वो एस लगा हुआ है। एथलेटिक्स कहते हैं कि स्पोर्ट्स दैट पीपल कंपीट इन, द
प्रतियोगिता में जिन खेलों में भाग लेते हैं लोग, एथलेटिक्स, वो फिजिकल जुड़ा हुआ है उससे, सच एज जैसे रनिंग एंड जंपिंग, रनिंग जंपिंग ये सब इसमें लोग जब कंपीट करते हैं, एथलेटिक्स ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है एथलेटिक्स। यस लगाए बहुवचन प्रयुक्त होता है एथलेटिक्स। ये क्या है कि स्पोर्ट्स दैट पीपल कंपीट इन, कुछ सब खेल हैं स्पोर्ट्स एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स भी बहुवचन प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से हमने कुछ बहुत प्रचलित शब्दों का उदाहरण दिया कि एडजेक्टिव के पहले द लगे वो प्लुरल हो जाता है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस हाइफन रहे तो नाउन सिंगुलर हो जाता है। ट्वेंटीज की बात मैंने की, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन की बात की, यदि मल्टीप्लीकेशन हो तो फ्रैक्शन पहले ही आ जाता है नाउन बाद में। ऑलवेज प्लुरल नाउन की बात मैंने किया, जैसे आर्म्स है, एरियर्स है, कंग्रेचुलेशन से, फंड है, फंड से, थैंक्स है, कंग्रेचुलेशन से, एथलेटिक्स है। तो कुछ प्रचलित शब्द हैं जिन्हें जानना जरूरी है अंग्रेजी भाषा की समृद्धि के लिए। धन्यवाद।